श्री राम समर्थ जनवरी 15। नामस्मरण में रहने का मतलब होश में होना। शराबियों के जत्थे में सभी शराबी शराब के नशे में चूर होते हैं। उनमें से अगर किसी ने शराब न पी हो तो बाकी सब शराबी उसे देखकर कहते हैं यह होश में नहीं है। वैसे सच पूछो तो वही एक होश में होता है, बाकी सब शराबी सचमुच ही बेहोश होते हैं। वैसे ही हम सब विषय वासनाओं में चूर होने से जो नामस्मरण में रत है उसे कहते हैं कि वह होश में नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि नाम के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है, और जिसकी ऐसी दृढ़ धारणा है वही सचमुच होश में होता है। हम अवश्य ही भ्रम में होते हैं। हमारा भ्रम मिटाने के लिए तीन उपाय हैं: एक सद्विचार, दूसरा सत्संगति और तीसरा उपाय है नामस्मरण। भगवान का विचार ही यथार्थ विचार है। किसी एक व्यक्ति को यदि कहा जाए कि तुम अपने अवयव और अपना रंग अलग रखकर हमारे पास आओ तो वह आ नहीं पाएगा, क्योंकि जहां वह है वहीं उसके अवयव और रंग होंगे। वैसे ही नाम, संत और भगवंत एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे में विलीन हो गए हैं। अतः जहां नामस्मरण होता है वहां सत्संगति और भगवंत होते ही हैं। जिस प्रकार गाय के पीछे बछड़ा जाता है वैसे ही नामस्मरण करने पर उसके पश्चात भगवान आते ही हैं। आजकल कई प्रकार की मशीनें निर्माण हुई है, अतः किसी के मन में सवाल पैदा हो सकता है कि संतों ने भगवान की प्राप्ति के लिए कोई मशीन क्यों नहीं ढूंढ निकाली। इसका उत्तर बहुत सरल है, ऐसी मशीन संतों ने बहुत पहले ही ढूंढ निकाली है। उस मशीन का नाम है राम नाम। यह मशीन हर कोई पा सकता है, यह यंत्र सब काम में ला सकते हैं। इस पर कभी जंग नहीं चढ़ता और यह कभी टूटती भी नहीं। भक्त, भगवंत और नाम एक रूप हैं। जहाँ नाम है वही भक्त हैं और वही भगवान भी हैं। इसलिए नाम सर्वश्रेष्ठ है। वही नाम हम निष्ठा और लगन से ले। नाले पर नाले से जो पानी बहता है वह कितना गंदा होता है, किंतु वही पानी नदी में जा मिलता है, नदी सागर में मिल जाती है। सागर सब पानी को सागर रूप बना देता है। उसी प्रकार मनुष्य कितना भी पापी, दोषी, अपराधी हो, यदि वह नाम रूप नदी में घुल जाता है तो समझो वह राम सागर रूप ही बन गया। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा पाप है। नामस्मरण के कारण भगवान का स्मरण होता है, इसलिए नामस्मरण से पाप मिट जाता है। अनाथ शब्द नाथ के सिवाय नहीं है, और नाथ को अनाथों के सिवाय नाथत्व नहीं है। राम सबका नाथ है, उसके नित्य स्मरण में हम रहे। गृहस्थी वनवास के समान है। प्रभु राम के स्मरण से गृहस्थी के संकट और दुख तिनके के समान हो जाएंगे। आज का मुख्य विचार, यदि तुम नामस्मरण करते रहोगे तो संत स्वयं तुम्हें ढूंढेंगे। तुम्हें संतों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.